साथ मेरी दो बेटियां हैं, तो दो बेटियों को मैंने एक राजा की तरह उनको बड़ा किया और इस वक्त वो अपने ससुराल में राजा की तरह ही रह रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं माँ बाप अपने माँ बाप के लिए तो वो रानियां ही होती हैं, लेकिन वो लड़कियां जब ससुराल जाके भी रानियां बनती हैं तो हमारा कॉलर ऊंचा होता है कि वाकई वो रानी बन के रह रही हैं। वो बिकॉज ऑफ हमारे संस्कार, हम उनको संस्कार ऐसे देते हैं कि वो वहाँ जाके अपने परिवार में इस तरह रहती हैं कि वो उनकी बेटी हैं। पहला धर्म हमारा ही होता है कि वो हम नए हैं उन पर जो इम्पैक्ट पड़ता है कि बहू ऐसी आएगी घर खराब करेगी। अगर बहू बेटी बन जाती है एकदम से तो घर आबाद कर देती है। हमें अपनी बेटियों को अपनी माँ होने के नाते सबसे बड़े माँ का ही संस्कार है कि अपनी बेटियों को वही संस्कार दे जो एक रामचंद्र जी ने सीता जी ने उनके पिताजी ने उनको दिया था, ताकि वो एक रामचंद्र बेटा एक रामचंद्र बने और माँ बेटी एक सीता माँ की तरह रहे। अगर हम संस्कार बेटियों को अपनी परवरिश को एक भगवान से रिलेटेड, क्योंकि हमारे हिंदुओं का ये सब बिल्कुल बेकार ये बात होगी कि हम लोग बच्चों को पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में डायरेक्ट डाल देते हैं, अपने हिंदुओं का कोई संस्कार नहीं देते, जो मुझे बहुत फील होता है। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि एक माँ बच्चा उसके गोदी में होता है ना, तो अपना गोदी में रख के हनुमान चालीसा पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े, ताकि उसके संस्कार, दुर्गा माँ के संस्कार, हनुमान के संस्कार अपने पेट के थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू उस गोदी में जब बच्चा हो उसके पेट में जाए, ताकि वो संस्कार आगे जाए। एक माँ अपने बच्चे को अगर तैयार करती है ना, पूरा कुल्ला तैयार हो जाता है। तो एक माँ का यही हक है पढ़ाई के साथ साथ वो अपने संस्कार उसको दे, अपने धर्म के बारे में बताए, पूजा करने के बारे में बताए। हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं, हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है, ये चीज़ें उसको बताएगी। तो मुझे लगता है अगर एक माँ अपने बच्चे को खड़ा करती है वो अपना पूरा कुल तैयार कर देती है। इसलिए माँ का ही फर्ज है अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, अच्छी एजुकेशन दे, संस्कार के साथ साथ भगवान की तरफ भी ध्यान लगाना उसको सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ नीतू महाजन। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें, हमारे साथ बने रहें।